प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकाखाट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यहां के लोग कह रहे हैं कि असम में दूसरी बार बीजेपी की सरकार, असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। देश में कोरोना के 73,886 नए मामले, इस साल एक दिन में यह सर्वाधिक संख्या बताई गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को यह समझना चाहिए कि उपमहाद्वीप में शांति का रास्ता घाटी से होकर ही जाता है। गौतम बुद्ध नगर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला वापस ले लिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजन किरण आनंद ने सभी सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं कराने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गैस रिफिलिंग की दुकान में धमाका होने से हड़कंप मच गया। एक साथ 18 गैस सिलेंडर फटने की खबर से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.38 लाख करोड़ रुपए घटा। इंग्लैंड के कप्तान ईओएन मॉर्गन चाहते हैं कि इंडिया प्रीमियर लीग में खेलने वाले उनके खिलाड़ी भारत के इस साल के आखिरी में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिए इस टी20 टूर्नामेंट का पूरा लाभ उठाएं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए पिछले साल लागू लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद को विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने अनोखे अंदाज में सम्मानित किया।